नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में बताऊंगा घर के उन वास्तु दोषों के बारे में जिसके कारण घर का कोई सदस्य आत्महत्या कर लेता है। ये दोष घर के चारों कोनों में होता है। जैसे घर है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, घर का द्वार पूर्व दिशा में ईस्ट में है, कंपाउंड वाल का, यदि कंपाउंड वाल है तो घर का ये दूसरा द्वार यहां आ गया और एक द्वार अग्नेय कोण में, इधर वायव्य कोण में कोई गड्ढा है। ऐसी स्थिति में ये एक दोष हो गया, या उसके साथ यहां भी कोई दरवाजा हो सकता है साउथ वेस्ट में। यदि घर में साउथ वेस्ट किसी प्रकार से नीचा है, गड्ढा है, टैंक है, बोरिंग है, बेसमेंट है, किसी प्रकार से नीचा है और यह हिस्सा किसी प्रकार से ऊंचा हो रहा है। अच्छा, यदि घर है और नीचा इसके अलावा टैंक नहीं है, पर आपका घर इतनी ऊंचाई पर है कि ये दिशा है या इस दिशा में एकदम सड़क बहुत नीची हो गई है, आपका घर ऊंचाई पर बना हुआ है, किस यहाँ कोई बहुत बड़ी नाली बह रही है तो भी नीचाई हो गई, या इधर कोई बहुत बड़ी नाली बह रही है तो भी नीचाई हो गई, किसी प्रकार से नीचा हो जाए, या इसको कोई रोड आके टकरा रहा हो, या दूसरा घर का दरवाजा हो, या दरवाजा हो। यदि ये पश्चिम में होगा तो कोई पुरुष आत्महत्या कर सकता है घर का, यदि दक्षिण में होगा तो कोई स्त्री आत्महत्या कर सकती है। इसी प्रकार घर का ये भाग पूरा ऊंचा हो, यह भाग नीचा हो, यहाँ द्वार हो, यहाँ द्वार हो ऐसी स्थिति में, और यहाँ कट आ रहा हो किसी प्रकार से, रोड इस प्रकार से जा रही हो कि हिस्सा कट गया हो, ऐसी स्थिति में भी उस घर का सदस्य आत्महत्या कर सकता है। दोस्तों, निश्चित रूप से जहाँ भी जिस परिवार में किसी ने आत्महत्या करी है उसके दोष इसी प्रकार का कोई मिलेगा। यदि अब उस घर में फिर से घटना ना घटे तो उसे चाहिए कि अपने घर के दोष को दूर करे, जहाँ ऐसी कोई घटना घट गई है। और यूं भी आप देख रहे हैं वीडियो तो आप देखिए, आपके घर में ऐसा कोई दोष तो नहीं है, यदि ऐसा दोष है तो उसे दूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो वर्तमान हालात चल रहे हैं आदमी तनाव में आकर ऐसा निर्णय कभी भी ले लेता है, तो आप अपने घर के दोषों दूर करिएगा, निश्चित राहत मिलेगी और ऐसी कोई घटना आपके घर में नहीं घट पाएगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल है उसे दबाइएगा।